आईसीएडिक संपत्ति मामले में पूर्व एडीजीपी राकेश चंद्रा के मोहाली स्थित नया गांव फार्म हाउस पर पंजाब विजिलेंस विभाग की टीम ने छापेमारी की है। और आपको बता दें कि फार्म हाउस पर विजिलेंस विभाग की टेक्निकल टीम भी मौजूद थी और ये फार्म हाउस कई एकड़ में फैला हुआ है। राकेश चंद्रा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के समय में सीआरपीएफ से पंजाब में डेपुटेशन पर आए थे। लुधियाना में हलवारा एयरपोर्ट में काम शुरू हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही यहां नेशनल इंटरनेशनल उड़ानें शुरू होगी। यहां से इंटरनेशनल फ्लाइटें शुरू होने के बाद विदेश जाने और आने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। दरअसल मुख्यमंत्री मांडे ने ऐलान किया था कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के बहुत जल्द ही हलवारा एयरपोर्ट को सिविल एयरपोर्ट में बदलने जा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत जल्द इस एयरपोर्ट से नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत की जाएगी। लुधियाना में एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि दो नशा तस्करों के साथ एसटीएफ टीम ने एक सब इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर पर आरोप है कि वो तस्करों के साथ मिलकर बड़ा नेटवर्क चला रहा था और आरोपियों के पास से करोड़ों की हेरोइन भी बरामद की गई है। हालांकि सब इंस्पेक्टर के साथ कितने और लोग जुड़े हुए हैं, ये कितना बड़ा नेटवर्क है, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। पंजाब की जेलों में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला भटिंडा सेंट्रल जेल का है, जहां तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल फोन और सिम कार्ड के अलावा मोबाइल चार्जर भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये सभी आपत्तिजनक सामान जेल में बंद कैदी आशीष से मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। चंडीगढ़ के बुडैल इलाके में एक तरफा प्यार के चक्कर में एक युवक ने युवती की हत्या कर दी है। आरोपी की पहचान 25 वर्षीय मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। और पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले से शादीशुदा है। पुलिस के मुताबिक युवती उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी, इसी से नाराज होकर आरोपी ने युवती की गला दबा करके हत्या कर दी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जालंधर में एक कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो गन हाथ में लेकर के गाना गाते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर नंबर 137 धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल इस मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वो गन असली था या खिलौना। गन कल्चर के खिलाफ पंजाब में पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में पठानकोट पुलिस ने खुलेआम हथियार लहराने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान गगनदीप सिंह, अशोक कुमार और लखविंदर के रूप में हुई है और इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने खुलेआम हथियार लहराते हुए तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पुलिस ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हथियारों का प्रदर्शन करने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक विशेष सोशल मीडिया टीम का गठन किया है। इसके तहत उन वीडियो की छानबीन भी की जा रही है, जिनमें लोग बेधड़क हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। गन कल्चर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरनाला जिले में भी कार्रवाई की गई है। दरअसल यहां कस्बा तपा के गांव गुनस में एक शादी समारोह के दौरान कुछ युवकों ने हथियारों की नुमाइश करते हुए हवा में गन लहराई है। युवकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अमृतसर में अवैध शराब बनाए जाने की गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। अटारी के गांव खैराबाद में हुई कार्रवाई के दौरान माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब छापेमारी करने के लिए गांव पहुंची पुलिस की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया, लेकिन पुलिस की टीम ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दोषियों के घर से अवैध शराब बरामद की।
पंजाब में गन कल्चर को खत्म करने के लिए पुलिस ने सख्ती तेज कर दी है। मान सरकार की ओर से हथियारों के लाइसेंसों की समीक्षा किए जाने के आदेश के बाद पंजाब में करीब 900 लाइसेंस को रद्द किया गया है और 324 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। पुलिस ने इन लोगों को नोटिस जारी कर जल्द से जल्द जवाब देने के आदेश भी दिए हैं। जिन लोगों के लाइसेंस रद्द या सस्पेंड हुए हैं उनमें से अधिकतर लोगों ने हथियार लेने के लिए फर्जी पते लिखवाए थे और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने नियमों में हुए संशोधन के बाद भी अपने हथियार को सरेंडर नहीं किया। फिरोजपुर में भी इस साल अभी तक डेंगू के 225 मामले सामने आ चुके हैं और नवंबर के महीने में डेंगू के 45 केस सामने आए हैं। सिविल अस्पताल में डेंगू को लेकर के एक अलग वार्ड भी बनाया गया है जिनमें कई मरीज भर्ती हैं और इस बारे में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र पाल ने बताया कि डेंगू को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहीं सिविल अस्पताल में डेंगू को लेकर के वार्ड बनाया गया है जिनमें कई मरीज भर्ती है। हमारी टीमें अस्पताल में जाकर के जाँच कर रही है। लोगों को भी अपने आसपास साफ सफाई रखने और पानी ज्यादा देर तक खड़ा नहीं होने देने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए जहां पौधे लगाने पर जोर दिया जा रहा है तो वहीं बगैर अनुमति के जाखल मंडी शहर के ताऊ देवीलाल पार्क में लगे पेड़ों की कटाई कर दी गई है। इस मामले को लेकर नपा सचिव की तरफ से मामला दर्ज करवाने को लेकर आदेश दिया गया है। करीबन 2000 से अधिक पेड़ों को धराशायी किया गया। लुधियाना में वाहन चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हाल ही में लुधियाना के हैबोबाद इलाके में चोरी की घटना सामने आई है जहां कुछ लोग स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरे और मोटरसाइकिल चोरी कर मौके से फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत लुधियाना पुलिस ने 30 किलो गांजे के साथ 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक इनोवा गाड़ी को भी बरामद किया है। एडीसीपी समीर वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी और बताया कि ये सभी नशा तस्कर दूसरे राज्यों से गांजा लेकर लुधियाना और उसके आसपास के इलाकों में सप्लाई करते हैं। पुलिस ने चारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। श्री मुक्तसर साहिब में पटवारी से तंग आकर के एक युवक ने जहर खाकर के आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक को इलाज के लिए श्री मुक्तसर साहिब के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। युवक की बहन ने बताया है कि मां के मरने के बाद पटवारी मां की वसीयत को उसके नाम नहीं कर रहा था जिससे तंग आकर के उसने जहर निकला है। पुलिस ने पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।